में एक सूरह है, सूरह नम्ल कहते हैं, 27वें नंबर की सूरह कुरान शरीफ है, सूरह नम्ल। तो नम्ल का माना क्या होता है अरबी में? होता है चींटी। अरबी में नम्ल का माना क्या होता है? चींटी। चींटी को कहते हैं नम्ल। तो वो एक आयत नाजिल हुई है, उसमें मुख्तलिफ अंबिया किराम के बारे में बातें, उस वाकयात का जिक्र किया गया। उसी में जिक्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो एक ऐसी जात गुजरी है, अल्लाह के महबूब नबी है आप। उनको अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक पर बादशाहत अता की। मखलूक से मुराद क्या हुआ? सिर्फ इंसानों पर नहीं, इंसानों के साथ ही साथ जिन्नातों पर भी आपकी हुकूमत चलती। चरिंद पर, यानी कि चरने वाले चौपायों पर, आसमान में उड़ने वाले परिंदों पर, हवाओं पर, पानी पर, मतलब अल्लाह ताला ने एक तरह से उनको नायब बनाया था अपना इस हुकूमत में। तो उसका जिक्र मिलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर के साथ किसी तरफ जा रहे थे, उसका लिखा हुआ उसका उस जगह का नाम था वादी नम, मतलब चींटियों की वादी। वो ऐसी वादी, ऐसी जगह थी जहां पर चींटियां बहुत अक्सरियत में पाई, बहुत चींटी ही चींटी सब। तो जब वो लश्कर दूर से जब आ रहा था, तो उसकी तारीफ बताई है मुफस्सिरीन ने कि जब वो लश्कर चलता था तो उसके आगे में सबसे पहले बड़े बड़े जानवर चलते थे, उसके बाद में फिर चौपाए चलते थे, उसके बाद में फिर इंसान चलते थे, और ऊपर में जो परिंदे जैसे साया फिगर रहे। जब वो परिंदे आसमान इस तरह से होते थे तो कई किताबों में भी लिखा कि जो सूरज की रोशनी है ना, उसमें छांव बना देते थे, इतनी ज्यादा उनकी मखलूक और उनका लश्कर चलता। जब वो लश्कर चलता हुआ आ रहा था तो कुरान शरीफ की तर्जुमानी है ये, इसमें लिखा कि चींटियों की जो सरदार थी, छोटी है उसकी जो सरदार थी मलिका, उसने अपनी साथी चींटियों से कहा, क्या कहा कि अरे चींटियों जल्दी जल्दी अपने बिलों में, अपने घरों में घुस जाओ, पहुंच जाओ, कि कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर आ रहा है दूर से वो कहीं बेख्याली में तुम्हें कुचल ना डाले, क्योंकि इतना बड़ा लश्कर है, छोटी छोटी चींटियां कुचल ना डाले। तो जब ये बात उस चींटी ने कही, उसकी साथी चींटियों ने सुनी और वो जल्दी जल्दी अपने बिलों में दाखिल होने लगी। कुरान में बताया गया, फरमाया गया कि ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी, ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी। अब कितनी दूर से सुनी? लिखा 3 मील से, किलोमीटर से भी बड़ा होता है मील। 3 मील दूरी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की गुफ्तगू को सुना, और सुनने के बाद आप क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद अपने जो लश्कर है उनको हुक्म देते हैं कि थोड़ा धीरे चलो, और उस मकाम पर पहुंचने के बाद रोक देते हैं, रुक, और रुकने के बाद आप इंतजार करते हैं, तब तक इंतजार करते हैं जब तक सारी चींटियां अपने बिलों में दाखिल हो जाती हैं, और दाखिल होने के बाद जो है वो उनका लश्कर वहां से निकल जाता है। तो कुरान शरीफ की तफसीर में लिखा कि ऐसा इसलिए हुआ कि इनके दूध की आवाज उन्होंने सुनी, क्योंकि उनको हवा के ऊपर भी हुकूमत अल्लाह ने अता की। हवा उन तक के लोगों का कलाम ला करके पहुंचा देती, चाहे वो 3 मील हो या 30 मील हो या कुछ। इसको कहते हैं रूहानियत, कि अल्लाह ताला के खास बंदों के लिए मखसूस होती है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है फरमा देता है। अब ये बात पहले के वक्तों में समझने में थोड़ा कठिन, यानी अक्ल में नहीं समाती। तो ये बात जान लीजिए कि जो बातें अक्ल में नहीं समाती हैं, खिलाफ मामूल होती, उसी को कहते हैं मोजज़ा। जब किसी नबी से शादी हो जाए, अल्लाह के नबी से, तो उसको मोजज़ा कहते हैं। और जब अल्लाह के किसी नए बंदे से, औलिया से, वली से शादी हो जाए, तो उसको हम करामत कहते हैं। किसी कोई भी खिलाफ मामूल बात जिसको अक्ल आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। मगर आज आप देखेंगे साइंस की जो तहकीक हुई है, आज हम मोबाइल में बात करते हैं, नहीं मालूम कितने दूर किलोमीटर में लोग रहते थे। इसके पहले किस देर में पहले लैंडलाइन के फोन आते थे, देखे आपको लैंडलाइन को, जिसमें तार लगा रहता था, ऐसे लगा करके एक तरफ से सुनना, एक तरफ से बोलना, ये होता। तो उस वक्त में भी तारों को जोड़ जोड़ करके, बातें दूर दूर तक पहुंचाई जाती। साइंस ने और तरक्की की, अभी के समय में आपके हाथ में मोबाइल है, आप कोई बात करते हैं बिना किसी तार के। और सिंपल वही सिद्धांत क्या है कि हवा को उनके ताबे किया था। आज भी हमारी जो वेव्स चलती हैं, जिससे हमारी बातें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती हैं, मैसेज पहुंचते हैं, वीडियो पहुंचती है, हवाओं में तैरते हैं, शवाओं में तैरते हैं। तो इस मामले में साइंस जो है वो हमारे इस्लाम की बातों की तहकीक कर रहा है, किया उसने, ठीक। तो एक बात ये पता चली, और इससे ये भी पता चला कि अल्लाह ताला के नेक बंदों को जो अता किया गया वो रूहानी। हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग किसी न किसी डिवाइस के मोहताज हैं, किसी न किसी बीच में मीडियम के मोहताज हैं, है ना, किसी वसीले के मोहताज हैं।
लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को बिना वसीले से बड़ी बड़ी ताकतें और बड़ी बड़ी अजमतें अता फरमाता है। तो ये बात भी मौजज़े, मौजज़ा किसको कहते हैं याद हुआ? मौजज़ा किसको कहते हैं? ऐसा खिलाफे मामूल काम जो किसी नबी के हाथों से होता है, नबी की तरफ से होता है, उसको क्या कहते हैं? मौजज़ा कहते हैं। और जब वो किसी वली के हाथों से होता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलिए, करामत कहते हैं।